समादरणीय धार्मिक सज्जन जन, यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 57 के ऊपर विचार किया था और मंत्र संख्या 57 इस विषय में प्रमाण है कि वेद का ज्ञान परमेश्वर ने दिया है और इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ऋषियों ने या मनुष्यों ने वेदों की रचना नहीं की और जिस परमेश्वर ने हमें सांसारिक स्थाई सुख की प्राप्ति के लिए और मोक्ष के आनंद की प्राप्ति के लिए वेद का उपदेश दिया, ऐसे ईश्वर की भक्ति, सेवा और उपासना करनी चाहिए। ये इस मंत्र का तात्पर्य बताया गया है। ईश्वर की सेवा, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा का पालन ईश्वर की सेवा है। विनम्रता और सहन शक्ति, विनम्रता यम नियमों के अंतर्गत, अपरिग्रह के अंतर्गत आती है और सहन शक्ति, सहन करना, ये यदि हम यम नियमों के अंतर्गत देखें तो तप के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दो गुण, विनम्रता और सहन शक्ति, ये सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में विशेष गुण हैं। यदि विनम्रता और सहन शक्ति नहीं है तो व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में अथवा राजनीतिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता, ऐसा अनुभवी लोग बताते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचा उठता है, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, उसकी योग्यता बढ़ती है, ये सहन शक्ति और विनम्रता उसका बहुत बड़ा बल बताया जाता है। यदि व्यक्ति ऊंचा उठ जाए, अधिकारों को प्राप्त कर ले और उसके अंदर यदि सहन शक्ति और विनम्रता नहीं है तो फिर वो उसके विनाश का कारण बन जाती है। तो ये इन गुणों को धारण करना, ये ईश्वर की सेवा है। ईश्वर भी सहनशील है। दूसरा, जहाँ से भी हमें अच्छी अच्छी बातें मिले उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बुराइयां हैं, दोष हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये ईश्वर की आज्ञा है। मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए, सत्यग्राही होना चाहिए। और जो जो मनुष्य जिस जिस आश्रम में है वो अपने आश्रमों के कर्तव्यों का पूरी शक्ति से पालन करें, मेहनत ईमानदारी से, ये ईश्वर की सेवा है। यदि व्यक्ति आश्रम के कर्तव्यों का, धर्मों का पूरी शक्ति से पालन नहीं कर रहा, किसी भी आश्रम में है, तो वो ईश्वर की सेवा नहीं कर रहा। धन कमाने के लिए गृहस्थ आश्रम है और विद्या अर्जित करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो अनुभवी लोग ऐसा बताते हैं
कि जो धन बेईमानी से कमाया जाता है, छल कपट धोखे से कमाया जाता है, वो जैसे आता है वैसा ही चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, अपितु उससे हानि ही होती है। जैसे किसी चोर ने 5,000 रुपये चुरा लिए, अब वो पकड़ा गया तो 5,000 रुपये उससे ले लिए जाएंगे और डंडे और पड़ेंगे, जेल में और भेजा जाएगा। 5,000 रुपये लिए चले गए और हानि और उठानी पड़ी, डंडे भी पड़े, जेल में भी जाना पड़ा। इसी प्रकार से जो बेईमानी से धन कमाया जाता है, वो उसका कुछ उपयोग नहीं हो पाता, चला जाता है और हानि और अधिक होती है, उससे हानि भी होती है। इसी प्रकार से विद्या रूपी धन के विषय में है, विद्या रूपी धन भी यदि धर्म पूर्वक नहीं अर्जित किया जाएगा तो उस विद्या का व्यक्ति जिसने नियम पूर्वक धर्म पूर्वक विद्या को प्राप्त नहीं किया, बेईमानी से धोखा देकर विद्या को प्राप्त किया है, वो विद्या न उसके काम आएगी न समाज के काम आएगी और उसके कारण हानि भी होगी, अभिमान उभरेगा। आपने एक श्लोक सुना होगा, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है। और अंतिम लक्ष्य क्या है विद्या का? सुख की प्राप्ति। ना विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, सांसारिक स्थायी सुख मोक्ष सुख। तो जो धोखे से बेईमानी से विद्या प्राप्त करेगा, वो विद्या से उसको ना संसार में सुख मिलेगा, मोक्ष के सुख की बात तो दूर रही, और वो विद्या उसके काम भी नहीं आएगी, दूसरे के काम भी नहीं आएगी, अभिमान और उभरेगा, हानि और अधिक होगी। लेकिन जो ईमानदारी से, मेहनत से, पुरुषार्थ से, नियमों का पालन करते हुए विद्या को प्राप्त करेगा, वो विद्या उसके काम भी आएगी, दूसरे के काम भी आएगी, उससे उसकी उन्नति भी होगी और वो दूसरों की उन्नति भी करेगा। तो वेद या परमात्मा की आज्ञा यह है कि जो भी धन प्राप्त करो वो वेदानुकूल मार्ग से प्राप्त करो, मेहनत ईमानदारी से प्राप्त करो, ऐसा करना ईश्वर की सेवा है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा सारे जगत को बनाकर उसका पालन करता है, उसकी इस रूप में सेवा करनी चाहिए। ये कुछ उदाहरण बताएं। आज का मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 58। मंत्र है, ब्रह्मणस्पते त्वम अस्य यंता सुक्तस्य बोधि तनयम च जिन्व विश्वम तद् भद्रम यद् अवन्ति देवा बृहत् वदेम विधते सुवीरः। ब्रह्मणस्पति से यहाँ परमेश्वर का विषय लिया गया है, देवता भी ब्रह्मणस्पति है, परमेश्वर के विषय में इस मंत्र में बताया है। क्या बताया है इस मंत्र में परमेश्वर के विषय में? तो जब हम भावार्थ देखेंगे तो हमें बोध होगा। भावार्थ में दिया है, हे जगदीश्वर, आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार के नियम करने वाले होजिए। विद्या और सत्य व्यवहार के नियम करने वाले होजिए। किसको विद्या देनी है, किसको नहीं देनी, किसको कम विद्या देनी है, किसको अधिक विद्या देनी है, ऐसा नियम करने वाले आप होजिए। इतना पुरुषार्थ करेगा तो इतनी विद्या मिलेगी, इतना पुरुषार्थ नहीं करेगा तो इतनी विद्या नहीं मिलेगी।
इसी प्रकार से व्यवहार के विषय में ठीक ठीक व्यवहार का बोध किसको कितना कराना है, ये भी इसके नियम करने वाले आप हो जिए। विद्या तो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो विद्या शाब्दिक स्तर पर भी रहती है, तात्विक स्तर पर नहीं आती। तो तात्विक स्तर पर विद्या ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। जो ईश्वर के अनुकूल जितना पुरुषार्थ करेगा तो तात्विक स्तर पर वो उतनी विद्या को प्राप्त करेगा। ये नियम करने वाला परमेश्वर, ऐसे ही सत्य व्यवहार के विषय में नियम कीजिए। नियम तो वैसे परमेश्वर करता ही है, कोई गलत कार्य करता है तो ईश्वर भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है, और अच्छा कार्य करता है तो आनंद उत्साह होता है। मान लीजिए आप बाहर भ्रमण के लिए जा रहे हैं और बारिश की इतनी संभावना नहीं है, बादल हैं और बारिश की इतनी संभावना नहीं है, लेकिन आपको अल्पज्ञता के कारण ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। ईश्वर को पता है बारिश नहीं होगी, इसलिए जब आप छतरी उठाने जाएंगे तो आपको अंदर से खुटखुट होगी, लज्जा होगी कि छतरी की क्या आवश्यकता है। आप नहीं जान रहे, ईश्वर जानता है बारिश नहीं होने वाली। आप अल्पज्ञता के कारण ये मान रहे हैं बारिश हो सकती है अथवा थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो थोड़ी सी बूंदाबांदी के लिए छतरी ले जाना, ये अंदर से खुटखुट होगी ऐसा, भाई इतनी तपस्या नहीं कर सकते। और ये खुटखुट सबको पकड़ में नहीं आती, जिसके पकड़ में आती है वो छतरी लेने से रुक जाएगा, जिसको पकड़ में नहीं आएगी वो छतरी लेगा और चला जाएगा। तो इस प्रकार से ईश्वर अंदर से भय लज्जा शंका उत्पन्न कर, दिन भर अनेक व्यवहार होते हैं, वहाँ पर यदि हम ध्यान दें ईश्वर के संकेतों की ओर से तो हमें वो संकेत पकड़ में आ सकते हैं। तो ये सत्य व्यवहार का बोध करवाता है ईश्वर कि ये ठीक नहीं है, ऐसे ही जाओ। फिर आगे दिया, हमारे संतानों को विद्या युक्त कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमारी संतानों को विद्या युक्त कीजिए। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और ये प्रार्थना किस लिए की गई है? ये प्रार्थना मंत्र में ही है, मंत्र में ये प्रार्थना की गई है, जिससे कि वो विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती रहे, विद्या का लोप ना हो जाए, विद्या का नाश ना हो जाए। तो जब विद्या को, माता पिता को विद्या प्राप्त हुई, बच्चों को सिखाया, फिर बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, इस प्रकार से वो परंपरा से विद्या चलती रहेगी। तो विद्या की रक्षा हो, इस दृष्टि से परमेश्वर ने ये उपदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम अपने संतानों को भी जो जो आपने सीखा है उनको सिखाओ। अपने आप मर जाएंगे, किसी को सिखाएंगे नहीं, तो आपका सीखा हुआ सारा आपके साथ ही चला जाएगा, संसार को कुछ लाभ नहीं होगा। तो संसार में भी वो बना रहे विद्या की परंपरा, इसलिए संतानों को विद्या युक्त करना चाहिए। और ये जो ऊपर प्रार्थना की है, आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार के नियम करने वाले हो जिए। नियम तो परमात्मा करता ही है, किसको कितनी विद्या देनी है, किसको कितना व्यवहार का बोध कराना है। तो कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती है जिससे कि हमें ईश्वर के उस गुण या कर्म की जानकारी होती है, ठीक है, हम भूल जाते हैं। और जानकारी होने से कि ईश्वर विद्या और सत्य व्यवहार का नियम करने वाला है, यदि हम ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें ईश्वर की ओर से विद्या और सत्य व्यवहार का बोध नहीं होगा, ये हमें सावधान कर देती है ये जानकारी।
फिर आगे दिया है, सब जगत की यथावत रक्षा कीजिए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। परमात्मा तो रक्षा कर ही रहा है, फिर ऐसा क्यों प्रार्थना क्या करने की, आप सब जगत की यथावत रक्षा कीजिए। तो इसमें एक कारण ये बताया जाता है कि हमें जानकारी हो कि परमेश्वर सब जगत की यथावत रक्षा करता है। फिर आगे दिया, न्यायुक्त धर्म, उत्तम शिक्षा और परस्पर प्रीति उत्पन्न कीजिए, ये भी परमेश्वर से प्रार्थना की है कि जगत के अंदर या मनुष्यों के अंदर न्याययुक्त धर्म को उत्पन्न कीजिए, मनुष्य न्याययुक्त धर्म करें, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना की है। परमेश्वर से ये भी प्रार्थना की है कि उत्तम शिक्षा को उत्पन्न कीजिए, ये भी प्रार्थना की है कि परस्पर प्रीति उत्पन्न कीजिए। तो इसका एक तात्पर्य यह समझना चाहिए कि प्रार्थना के साथ साथ हमें भी पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जगत की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें भी तो जगत की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जगत की रक्षा कैसे होती है, दूसरे मनुष्यों को अच्छे व्यवहारों की जानकारी देनी पड़ेगी, उनको अच्छे व्यवहार की प्रेरणा देनी पड़ेगी, दुर्गुणों से हटने की प्रेरणा देनी पड़ेगी, तब परमेश्वर भी सहायता करेगा। जिसको हम प्रेरणा दे रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, उसके अंदर उत्साह उत्पन्न करेगा परमेश्वर जानकारी होने के बाद। तो सब जगत की यथावत रक्षा कीजिए, प्रार्थना तो की है लेकिन उसके साथ साथ हमें भी जगत की रक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब जितना सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना पुरुषार्थ करेंगे हम, आगे ईश्वर का कार्य है। और न्याययुक्त धर्म उत्पन्न कीजिए, ये ईश्वर से प्रार्थना की है, तो उसके लिए हमें भी न्याययुक्त धर्म का आचरण करना पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा, उपदेश करना पड़ेगा, तब ये प्रार्थना पूरी होगी। केवल प्रार्थना करने से ईश्वर ऐसा नहीं करेगा। फिर उत्तम शिक्षा को उत्पन्न कीजिए, तो उसके लिए हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं उत्तम शिक्षा से युक्त होना पड़ेगा और दूसरों को भी उत्तम शिक्षा की प्रेरणा देनी पड़ेगी, तब जगत के अंदर उत्तम शिक्षा उत्पन्न होगी। परस्पर प्रीति उत्पन्न कीजिए, ये परमेश्वर से प्रार्थना की है, तो हमें भी परस्पर प्रीति से रहने का उपदेश देना पड़ेगा स्वयं रहते हुए, तब परमेश्वर क्या है सहायता करेगा। तो ये ईश्वर के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि ईश्वर जगत की रक्षा करते हैं, ईश्वर जगत के अंदर न्याययुक्त धर्म को योग्य पात्रों के अंदर उत्पन्न करते हैं, ईश्वर योग्य मनुष्यों के अंदर उत्तम शिक्षा को उत्पन्न करते हैं और जो योग्य मनुष्य हैं उनके अंदर परस्पर प्रीति का भाव उत्पन्न करते हैं। ये मनुष्य, ये ईश्वर का कार्य है। और विद्या और सत्य व्यवहार का नियम करने वाले भी परमेश्वर हैं, अर्थात विद्या देने वाले, सत्य व्यवहार का बोध कराने वाले, ये भी परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर जीवों के कर्मों के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार विद्या और सत्य व्यवहार का बोध उत्पन्न करने वाले हैं न्याययुक्त विधि से। और परमेश्वर संतानों को भी विद्या युक्त करते हैं। माता पिता संतानों को विद्या तो दे देंगे लेकिन उन संतानों को विद्या युक्त करना, वास्तविक विद्या, तत्व विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, ईश्वर से ही प्राप्त होगी। माता पिता तो शाब्दिक रूप में देंगे। तो इस प्रकार ईश्वर के विषय में ये बताया गया। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे ब्रह्मणः, ब्रह्मांड के पते ही रक्षक ईश्वर, परमेश्वर सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहे हैं।
ब्रह्मांड के अंदर जड़ भी हैं, चेतन भी हैं, चेतनों की परमेश्वर रक्षा कर रहे हैं। जो प्राणी जहाँ पर है उसको वहाँ पर अपने भोजन आदि मिल रहा है, कोई समुद्र में है तो समुद्र के अंदर रहने वाले प्राणियों को समुद्र के अंदर भोजन मिल रहा है, जो पहाड़ों पे रह रहा है पहाड़ों पे उसको भोजन मिल रहा है, जो रेगिस्तान में प्राणी रहते हैं वहाँ पर रेगिस्तान में उनको भोजन मिल रहा है, रेगिस्तान में पेड़ पौधे भी होते हैं वो वहाँ पर जीते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर सभी प्राणियों के भोजन की व्यवस्था करने वाला है, उनकी रक्षा करता है और मनुष्यों की रक्षा भी करता है, मनुष्यों को भी भोजन मिलता है खाने पीने के लिए, और जो भूखे हैं जिनको भोजन नहीं मिल रहा उनके लिए परमेश्वर ने उपदेश दिया है गृहस्थियों को कि जो भूखे व्यक्ति हैं उनको भोजन दो। ठीक है, तो भूखे व्यक्तियों को यदि भोजन नहीं मिल रहा तो इसमें ईश्वर का दोष नहीं है, ईश्वर ने तो वेद में आदेश दे रखा है मनुष्यों को, यह मनुष्यों तुम भूखे व्यक्तियों को भोजन खिलाओ। ठीक है ना, अब ये मनुष्य समाज का दोष है अथवा समृद्ध देशों का दोष है कि वो जो गरीब देश हैं भूखे मर रहे हैं उनको वो खाने पीने के लिए अन्न सामग्री आदि नहीं देते, और जड़ जगत का भी परमेश्वर रक्षा कर रहा है। वायु दूषित हो जाती है लेकिन ईश्वर की व्यवस्था से वो शुद्ध भी हो जाती है, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधों से शुद्ध वायु निकलती है। इसी प्रकार से भूमि को भी परमेश्वर शुद्ध करता है सूर्य की किरणों के माध्यम से, पृथ्वी की रक्षा करता है, पृथ्वी के चारों ओर आवरण बना रखे हैं। कितने आवरण बताए थे? प्रत्येक लोक के चारों ओर 7 आवरण हैं। कौन कौन से 7 आवरण बताए थे? समुद्र, त्रसरेणु, मेघमंडल का वायु, उससे ऊपर एक अन्य प्रकार का वायु, फिर धनंजय वायु, फिर सूत्रात्मा वायु। ये प्रत्येक लोक के चारों ओर परमेश्वर ने आवरण बना रखे हैं उनकी रक्षा के लिए। इसी प्रकार से शरीरों में भी आवरण बना रखे हैं, पेड़ों के ऊपर छाल होती है, अब तने से आप छाल हटा दो तो पेड़ मर जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में त्वचा है, त्वचा शरीर की रक्षा करती है, जो हानिकारक रोगाणु कीटाणु है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, और त्वचा हटा दो तो जी नहीं पाएगा, कीटाणु रोगाणुओं का आक्रमण हो जाएगा। इस रूप में परमेश्वर सब जगत की रक्षा कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के रक्षक ईश्वर देवः परमेश्वर को कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, विद्वान लोग विदथे प्रकट करने योग्य व्यवहार में जिसकी अवंती रक्षा व उपदेश करते हैं। प्रकट करने योग्य व्यवहार में जिसकी रक्षा व उपदेश करते हैं। हम बहुत सी बातें वाणी के माध्यम से प्रकट करते हैं, शरीर में कष्ट हो रहा है तो बताते हैं डॉक्टर को, मेरे को ये कष्ट है, जुकाम हो गया, खांसी आ रही है, दर्द हो रहा है, तो हम उसको प्रकट करते हैं वाणी के माध्यम से। ठीक है, कोई वस्तु नहीं मिल रही तो उसको भी प्रकट करते हैं कि मेरी ये वस्तु नहीं मिल रही, जिससे कि दूसरे कुछ उनको जानकारी हो तो बता सकते हैं। एक तो ये प्रकट करते हैं हम वाणी के माध्यम से, और क्या प्रकट करते हैं? अच्छी बातें बताते हैं दूसरों को कि ये सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये भी प्रकट करने योग्य व्यवहार है। ठीक है, जैसे हम अपने रोगों को, दुखों को माता पिता गुरु आचार्यों को या चिकित्सकों को बताते हैं, प्रकट करते हैं, वैसे ही ये व्यवहार संबंधी बातें
बोलना चालना उठना बैठना यम नियम आदि से संबंधी बातें भी ये भी प्रकट करने योग्य है, बताने योग्य है। यदि इसको प्रकट नहीं करेंगे तो इससे दूसरे इससे युक्त नहीं हो पाएंगे। तो प्रकट करने योग्य व्यवहार में जिसकी रक्षा व उपदेश करते हैं, तो उपदेश करने से जो अच्छी अच्छी बातें हैं अहिंसा सत्य अस्तेय आदि, उनकी रक्षा होती है, रक्षा भी होती है और वृद्धि भी होती है। यदि प्रकट करने वाला स्वयं उसका आचरण कर रहा है और दूसरे को बता रहा है, उससे तो वृद्धि होगी, और यदि वो प्रकट करने वाला स्वयं आचरण नहीं कर रहा तो वो एक प्रकार से उसकी आवृत्ति होने से उसकी रक्षा होगी, वो भूलेगा नहीं, याद रखेगा। और जिसकी सुवीरा सुंदर उत्तम वीर पुरुष हम लोग बड़ा श्रेष्ठ कहें, जिसको हम कहने वाले कौन हैं, सुवीर हैं, वो परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं। जो सुवीर मनुष्य हैं वो परमेश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं। ऊपर ये बात बताई, परमेश्वर को बता रहे हैं सुवीर कि विद्वान लोग जो हैं वो धर्म की बातें विद्या की बातें उनका उपदेश करते हैं, और परमेश्वर से कह रहे हैं कि जिसको हम लोग बड़ा श्रेष्ठ कहें, और वो जो बातें हैं जिनका विद्वान लोग उपदेश करते हैं, विद्वान लोग किसका उपदेश करेंगे, उनके पास जो जो विद्याएं हैं उनका उपदेश करेंगे, धर्म से संबंधी बातों का उपदेश करेंगे, शिक्षा के विषय में उपदेश करेंगे, और ये जो बातें हैं ये सुवीर कह रहे हैं इनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, ये श्रेष्ठ बातें हैं। उस अस्य इस सुक्तस्य अच्छी प्रकार कहने योग्य वचन के आप नियम करता होजिए। तो ये जो बातें हैं विद्या से संबंधी बातें, धर्म से संबंधी बातें, धर्म से संबंधी जानकारी, विद्या से संबंधी जानकारी, इसको सुक्त कहा है, अर्थात ये अच्छी प्रकार कहने योग्य है। धर्म से संबंधी जानकारी जो हमें हुई वो दूसरे को भी बतानी चाहिए, विद्या से संबंधी जो जानकारी हुई वो हमें दूसरे को भी बतानी चाहिए, ये अच्छी प्रकार कहने योग्य है, जिससे कि धर्म और विद्या की जो परंपराएं हैं वो संसार के अंदर चलती रहें। यदि धर्म और विद्या का लोप हो जाएगा संसार के अंदर तो क्या होगा, संसार का विनाश हो जाएगा। फिर जो बलवान है वो निर्बल को खा जाएगा, जीने नहीं देगा, आपस में फिर संघर्ष होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, और संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये धर्म के कारण और विद्या के कारण ये संसार के सुखों की क्या है, रक्षा होती है, ये अच्छी प्रकार से कहने योग्य हैं। तो इस सुक्त से अच्छी प्रकार कहने योग्य वचन के आप नियम करता होजिए, परमेश्वर से कह रहे हैं आप इसके नियम करने वाले होजिए। और तनयम, तनय पुत्र के लिए पुत्र शब्द भी होता है, और कौन सा शब्द होता है पुत्र के लिए, एक वैसे संतान के लिए अपत्य शब्द होता है। तो विद्या का शुद्ध विचार करने वाले पुत्रवत प्रिय पुरुष को बोधि बोध कराइए, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा पुरुष जो पुत्रवत प्रिय है, जो पुत्रवत प्रिय है, किसके पुत्र, किसको प्रिय है,
ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप विद्या का शुद्ध विचार करने वाले पुत्रवत प्रिय पुरुष को, तो परमेश्वर को भी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो पुत्रवत प्रिय होते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को प्रिय नहीं होते। आपको वेद के मंत्रों के अंदर ऐसी प्रार्थनाएं मिलेगी कि हम परमेश्वर के प्रिय होवें, ठीक है ना, हम आपके प्रिय होवें। तो प्रिय किस, कौन मनुष्य ईश्वर का प्रिय होगा? पुत्रवत, जो उसकी आज्ञा का पालन करके उसको प्रसन्न करेगा। प्रसन्न करने वाला ही प्रिय होता है। जो हमें प्रसन्न करता है वो प्रिय होता है, जो हमें प्रसन्न नहीं करता, अप्रसन्न करता है, वो हमें प्रिय नहीं होता। तो ये परमेश्वर के लिए कह रहे हैं कि आपको जो पुत्रवत प्रिय पुरुष है उसको आप बोध कराइए। किसके विषय में बोध कराइए? धर्म के विषय में और विद्या के विषय में। धर्म के विषय में सुन तो लेते हैं, बहुत पढ़ भी लेते हैं, सत्संग करते हैं, देखते हैं, विचारते हैं, परंतु इतना कुछ होने के बाद भी बोध नहीं होता, वो समझ में नहीं आता, व्यवहार के अंदर नहीं आता। उसमें कारण क्या रहता है? अंतःकरण मलिन है। तो जो परमेश्वर को पुत्रवत प्रिय होगा, अर्थात जो श्रद्धा प्रेम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतःकरण शुद्ध होने से उसको विद्या के विषय में, धर्म के विषय में बोध होगा। तो ये परमेश्वर से प्रार्थना की है, विद्या का शुद्ध विचार करने वाला पुत्रवत प्रिय पुरुष को आप बोध कराइए, तथा उस कल्याणकारी विश्वम सब जीव मात्र को तृप्त कीजिए। और ये प्रार्थना की है, वेद के अंदर आपको ऐसी बातें मिलेगी, ऐसे आदर्श मिलेंगे, ऐसी भावनाएं मिलेगी, ऐसे विचार मिलेंगे जो दूसरे शास्त्रों के अंदर नहीं मिलेंगे। वेद के अंदर सभी सृष्टि के सभी जीव मात्र के सुख की कामना की है, सृष्टि के सभी जीव सुखी हैं। कितनी व्यापक प्रार्थना है, और इसी के अनुसार महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में भी हमको ऐसी प्रार्थनाएं मिलेगी, सब जीवों के कल्याण की प्रार्थनाएं मिलेगी। तो ऐसी प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? सृष्टि के सभी जीवों की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करना, तो उससे हमारा हृदय विशाल होता है, ठीक है ना, सबके प्रति हित की भावना उत्पन्न होती है। और केवल अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाएगा, सबके लिए प्रार्थना करेंगे वो निस्वार्थ निष्कामता को उत्पन्न करेगी। तथा उस कल्याणकारी सब जीव मात्र को तृप्त कीजिए, भद्रम विश्वम, सब जीव मात्र जो कल्याणकारी हैं, कल्याण करने वाले हैं, उनको आप तृप्त कीजिए। यहाँ भद्रम विशेषण और जोड़ दिया है, सब जीव मात्र कैसे? कल्याणकारी, अर्थात जो जीव, वैसे मनुष्य से भिन्न जितने भी प्राणी हैं वो तो जगत का किसी ना किसी रूप में हित कर ही रहे हैं। हमारा पेड़ पौधे भी हित कर रहे हैं जगत का, और गायें भैंस आदि हैं ये भी हित कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जगत का हित नहीं करते, वो जगत का क्या करते हैं? हित करते हैं। मनुष्य से भिन्न जितने भी प्राणी हैं वो तो हित कर ही रहे हैं जगत का, ईश्वर की व्यवस्था में, परंतु सभी मनुष्य जगत का हित नहीं करते। कौन जगत का हित करते हैं? जो वेद के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होते हैं, वो जगत का हित करते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि सभी जो कल्याण करने वाले जीव हैं सृष्टि के अंदर, किसी भी लोक में हों,
केवल इस धरती में ही नहीं, जहाँ पर भी और किसी धरती में जहाँ मनुष्य रहते हैं, जो धार्मिक मनुष्य हैं, जो सारे संसार के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, तो उन सबको आप तृप्त कीजिए। तो मंत्र का संदेश यह है कि मनुष्यों को सत्य धर्म और विद्या का उपदेश देना चाहिए। और विद्या भी किसके लिए है? विद्या व्यवहार की शुद्धि के लिए है। जो पढ़ा पढ़ाया जाता है किसके लिए होता है? व्यवहार की शुद्धि के लिए होता है। यदि विद्या तो प्राप्त कर ली लेकिन उससे व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ तो विद्या का फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। और विद्या प्राप्त करके यदि व्यक्ति व्यवहार शुद्ध कर लेता है तो उस विद्या से वो स्वयं भी लाभान्वित होगा और दूसरों को भी लाभान्वित करेगा। और यदि विद्या पढ़ के उसने व्यवहार को शुद्ध नहीं किया तो उस विद्या से उसकी भी हानि होगी और जगत की भी हानि होगी। तो ये विद्या का पठन पाठन, उसका अंतिम प्रयोजन क्या है? व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध हो। व्यवहार मुख्य है, ठीक है ना? व्यवहार के लिए ये विद्या का पढ़ना।